हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पाइनएप्पल को हम बिना शेफ नाइफ के घर में कैसे छीलें और कैसे काटें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाइनएप्पल को कट करने के लिए सबसे पहले जो उसका ग्रीन पार्ट होता है उसको हटाना पड़ता है, पर कई बार फ्रूट्स वाले भी ग्रीन पार्ट को हटा कर दे देते हैं, तो इस अनानास में ग्रीन पार्ट नहीं है। अब इसके बाद में जो हमारे घरों में यूज़ होता है नॉर्मल नाइफ, उसको लीजिए और इस तरह से पाइनएप्पल को सीधा खड़ा कर लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। और आपको ये ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको भी ज़्यादा कट करेंगे तो पाइनएप्पल ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप इनको कट करना चाहते हैं तो इनको भी कट कर सकते हैं, पर ये ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाने में। और इसी तरह से हमें अनानास को कट करते जाना है, बस हाथ बचाते हुए। और इसमें जो भी हम नॉर्मल नाइफ ले रहे हैं वो थोड़ा सा शार्प हो तो ईजिली कट जाता है अनानास। तो अनानास को पहले छील लेते हैं। तो ये अनानास को हमने छील लिया है, तो चलिए अनानास को कट भी कर लेते हैं। कट करने के लिए थोड़ा सा हमें मोटे पीसेस में ही अनानास को कट करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इतने ही मोटे पीसेस में अनानास को कट करना है। तो ये हमने अनानास को कट कर लिया है, और आप चाहे तो ऊपर से चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।